तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मोबाइल फ्रिज समेत कई होम अप्लायंस हुए सस्ते। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे लगने वाले जीएसटी पे सरकार ने 19% तक की कटौती की है, इसी की वजह से कई चीजें सस्ती हो गई हैं। जी हाँ, मोबाइल टीवी और रेफ्रिजरेटर समेत कई होम अप्लायंस आज से सस्ते हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के 6 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में 19% तक की कटौती की है। यानी जो लोग नया फोन या नया इलेक्ट्रिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अब 3% से लेकर 19% टैक्स कम देना होगा। ऐसे में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी अपने सामान के दाम कम कर सकती हैं। बताया गया सबसे ज्यादा जीएसटी मोबाइल फोन पर घटाया गया है। जीएसटी की नई दर के मुताबिक भारत सरकार ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी में 19.3% की कटौती की है। आपको बता दें, इस फैसले से पहले मोबाइल फोन खरीदने पर लोगों को 31.3% का जीएसटी देना होता था, लेकिन अब केवल 12% जीएसटी देना होगा। बताया गया इसी की वजह से आने वाले दिनों में फोन बनाने वाली कंपनियां कई फोन के दाम में कटौती कर सकती हैं और कई सारे फोन अब पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो सकते हैं। वहीं बताया गया पहले किसी भी प्रकार के टीवी खरीदने पर लोगों को 31.3% का जीएसटी देना होता था, लेकिन अब जीएसटी की नई दर के अनुसार 27 इंच या इससे कम साइज का टीवी खरीदने पर अब केवल 18% जीएसटी देना होगा। वहीं बताया गया वित्त मंत्रालय के मुताबिक होम अप्लायंस यानी कि जैसे गीजर, पंखे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर, इस तरह की जो भी चीजें हैं उन पर पहले 31.3% का जीएसटी देना होता था, लेकिन अब इन पर भी केवल 12% का जीएसटी लगेगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ये सभी चीजें भी सस्ती होंगी, जैसे कि गीजर, पंखे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बिहार समेत 12 राज्यों में है भारी बारिश का अलर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, मौसम विभाग ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। अब वो कौन से 12 राज्य हैं, इनके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में अभी हाल ही में बीते शनिवार को लैंडस्लाइड हुआ, इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद करना पड़ा। वहीं बताया गया गुजरात के कई इलाकों में पिछले 30 घंटों से भारी बारिश हो रही है। अब भारी बारिश की वजह से जो कुछ हादसे हुए हैं उसकी वजह से 10 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कच्छ जिले में गांधीधाम रेलवे स्टेशन के अंदर तेज बारिश के चलते पानी भर गया। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में भारी बारिश की वजह से और लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से जो हादसे हुए हैं उसमें 24 लोगों की जान जा चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में केवल 3 राज्यों में इस तरह के हादसों की वजह से 35 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बताया गया बिहार के रोहतास में इंद्रपुरी के पास सोन नदी के कटार बालू घाट पर पिछले 40 घंटों से 26 ट्रक फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार की सुबह 30 ट्रक बालू लोडिंग करने के बीच नदी में फंस गए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आज 2 जुलाई 2023 को देश के किस हिस्से में कैसी बारिश होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, साथ ही में गुजरात, इन सभी जगहों पे आज भारी बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे मध्यम बारिश का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार। देखिए अगली खबर, 27 किलो की रोटी बनाई गई, 20 घंटे में हुआ ये तैयार। रोटी इतनी बड़ी थी कि इसे सेकने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं इस रोटी को बनाने में 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जी हां, राजस्थान के सीकर के प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी धाम में 27 किलो के विशेष रोट का भोग लगाया गया। बताया गया इस रोटी को बनने में लगभग 20 घंटे का समय लगा। बीते शुक्रवार सुबह ये 5 बजे बनना शुरू हुआ और फिर शनिवार रात 3 बजे ये बन पाया। जानकारी के मुताबिक हनुमान जी को भोग लगने वाले इस स्पेशल रोटी को बनाने में 11.25 क्विंटल आटा, ड्राई फ्रूट, सूजी और गाय के देसी घी का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस रोटी को बनाने में 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं इस रोटी को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये रोटी दुनिया की सबसे बड़ी रोटी है। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप का QR बेस्ड चैट ट्रांसफर फीचर हुआ रोल आउट। इस फीचर के जरिए दूसरे फोन में चैट ट्रांसफर कर सकेंगे। जी हां, व्हाट्सएप ने एक नया चैट ट्रांसफर फीचर रोल आउट कर दिया है। इसके जरिए यूजर्स QR कोड स्कैन करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चैट ट्रांसफर कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इस नए फीचर की जानकारी खुद दी है। बताया गया इसके लिए सबसे पहले आपको नए फोन में व्हाट्सएप को डाउनलोड करना होगा जिसमें आप चैट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। साथ ही दोनों फोन में वाईफाई और लोकेशन को ऑन करना होगा। अब दोनों फोन के सेटिंग में जाकर चैट्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे आपको चैट ट्रांसफर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले आपको नए फोन में सेम नंबर से व्हाट्सएप में लॉगिन भी करना है। तो सेम नंबर से लॉगिन होने के बाद और चैट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैट ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाया जाएगा। यहीं पर आपको QR कोड बेस्ड चैट ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई दे देगा जिसके जरिए आप केवल नए फोन से QR कोड को स्कैन करके उसकी सारी चैट को अपने नए फोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए अगली खबर, पहले किसान कहते थे सरकार कम मदद करती है, इसी के आगे पीएम मोदी बोले बीजेपी सालाना हर किसान को औसतन 50,000 रुपए दे रही है। जी हां, प्रधानमंत्री ने बीते रोज 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि याद करिए साल 2014 से पहले किसानों की क्या मांग थी। 9 साल पहले किसान कहते थे कि उन्हें बहुत कम मदद मिल रही है। वहीं पीएम मोदी बोले जो थोड़ी बहुत मदद मिलती भी थी वो बिचौलियों के खाते में चले जाते थे, लेकिन अब 9 साल के बाद कई नीतियां बदली हैं और इसका असर किसानों पे पड़ रहा है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी सालाना यानी
हर साल हर किसान को औसतन 50,000 रुपए दे रही है। हालांकि 50,000 रुपए की मदद हर किसान को कैसे पहुंचाई जा रही है इसकी तो विस्तार जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप जानते हैं तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बीजेपी पार्टी सालाना यानी कि हर साल हर किसान को औसतन 50,000 रुपए कैसे दे रही है और ये पूरा आंकड़ा कैसे है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदिपुरुष मूवी के बनाने वालों यानी कि मेकर्स को कोर्ट में आने का आदेश दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा फिल्म के कुछ सीन्स बेहद ही अपमानजनक हैं। मनोज मुंतशिर सामने आकर अपनी बात रखें। जी हां, फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम, देवी सीता और भगवान हनुमान जैसे धार्मिक पात्रों का शर्मनाक और घिनौना चित्रण करके इसके मेकर्स ने बड़े पैमाने पे लोगों की भावनाओं को आहत किया है। अब इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यानी कि कोर्ट में आकर अपनी सफाई देने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसा कोर्ट का कहना है कि आदिपुरुष मूवी में कुछ ऐसे सीन है जो कि बेहद ही अपमानजनक है और डायलॉग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे उल्टे सीधे डायलॉग इसमें भरे हुए हैं। देखिए अगली खबर। स्पेस से पृथ्वी पर सोलर एनर्जी भेजने की है तैयारी। इससे 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। पहली बार अंतरिक्ष से सोलर पावर रिसीव हुई है। जी हाँ, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। 1940 के दशक में साइंस फिक्शन राइटर आइजैक असिमोव ने अपनी शॉर्ट स्टोरी रीजन में इसका जिक्र किया था। इसी कड़ी में अब वैज्ञानिकों ने इसे लेकर पहल की है। बताया गया पृथ्वी पर 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा मिल सके इसके लिए वैज्ञानिकों ने स्पेस में सोलर पैनल भेजे हैं। वहीं अब इस काम में वैज्ञानिकों को सफलता भी मिली है। बताया गया पहली बार स्पेस से भेजी गई सोलर एनर्जी पृथ्वी पर रिसीव हुई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में कुछ सोलर पैनल भेजे थे। दोस्तों ये वही सोलर पैनल हैं जो धूप से चार्ज होने के बाद अपने अंदर बिजली इकट्ठा कर लेते हैं और इनके जरिए कई चीजों को चलाया जा सकता है। तो बताया गया जो सोलर पैनल स्पेस में भेजे गए थे तो उन्हीं सोलर पैनल से पृथ्वी पे एनर्जी रिसीव हुई है। यानी कि सोलर पैनल तो स्पेस में है लेकिन जो उससे बिजली बनी है या कह लें बिजली बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पृथ्वी पे रिसीव हुई है यानी कि मिली है। वहीं बताया गया ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अगर ये सही से सफल हो जाता है 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। या आने वाले दिनों में जब तकनीक बढ़ जाएगी तो इससे भी ज्यादा तरक्की हो सकती है। देखिए अगली खबर। ट्विटर पे पोस्ट पढ़ने की डेली लिमिट हुई तय। अकाउंट अगर वेरीफाइड नहीं है तो रोजाना केवल 600 ट्वीट ही पढ़ सकेंगे। हालांकि एलन मस्क ने बोला है ये कदम अस्थायी है। जी हां, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को ट्विटर पोस्ट पढ़ने की सीमा तय कर दी है। एलन मस्क ने कहा है वेरीफाइड यूजर अब एक दिन में सिर्फ 6,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे, वहीं जो अनवेरीफाइड है वो केवल 600 पोस्ट ही पढ़ सकेंगे। वहीं नए अनवेरीफाइड यूजर महज 300 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। हालांकि एलन मस्क ने साथ ही में ये भी कहा है कि ये फैसला फिलहाल यानी कि ये फैसला वापस भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों ने ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसकी वजह से अकाउंट पे ब्लू टिक लग गया है तो ऐसे यूजर एक दिन में 6,000 पोस्ट पढ़ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है वो केवल 600 पोस्ट पढ़ पाएंगे। वहीं जो लोग ट्विटर पे नया अकाउंट बना रहे हैं और वो लोग वेरीफाइड अगर नहीं है यानी कि उन लोगों ने ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, हर महीने ट्विटर को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो एक दिन में केवल 300 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। देखें अगली खबर। केले की चाय रोक सकती है कैंसर। आइए बताएं इसके बारे में अधिक जानकारी। ये जानकारी है बेहद ही रोचक। जी आपने ग्रीन टी, लेमन टी, पेपरमिंट टी इस तरह के नाम सुने होंगे, इस तरह की चाय पी भी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने केले की चाय की चुस्की ली है? अगर नहीं तो आपको बता दें केले की चाय भी बनती है। सबसे पहले आपको बता दें केले की चाय एक तरह की हर्बल टी होती है जो गर्म पानी में केले को उबालकर बनाई जाती है। वहीं बताया गया वैसे तो केले या केले के छिलके की चाय किसी बीमारी का पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों के लक्षणों को कम जरूर करती है। बताया गया केले या केले के छिलके की चाय एंटीबैक्टीरियल गुण से भरी होती है। वहीं बताया गया बनाना टी यानी कि केले वाली चाय आपके दिल के लिए फायदेमंद होती है। वहीं ये चाय सुकून की नींद देने में सहायक है। साथ ही में बताया गया केले की चाय वजन को कम करने में सहायक है, डिप्रेशन को दूर करने में सहायक है। वहीं बताया गया कई मामलों में केले की चाय से कैंसर को भी दूर भगाया जा सकता है। वहीं ये हड्डियों को भी मजबूत बनाती है और ये प्रेगनेंसी में भी फायदेमंद है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। हालांकि दोस्तों इन सब के बावजूद भी एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर की राय लेना ना भूलें, क्योंकि ये बात सेहत की है। देखिए अगली खबर। पाकिस्तान को $3 अरब देगा IMF। चंद महीने दिवालिया होने से बच गया पाकिस्तान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन जारी करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच ये डील अभी हाल ही में 30 जून को हुई है। ये इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 30 जून को ही पाकिस्तान को मिला IMF का पिछला पैकेज खत्म हो रहा था। इसके मायने ये है कि अगर 30 जून तक ये डील नहीं हो पाती तो उसे नए सिरे से और नए पैकेज के लिए IMF से बातचीत करनी पड़ती और बहुत मुमकिन है कि तब तक पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान के पास कई विभागों को लेकर कई मामलों को लेकर काफी कम पैसे बचे हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि IMF पाकिस्तान को $3 अरब का लोन देने के लिए राजी हो गया है।
देखें अगली खबर, हिंदुओं से ज्यादा तेज मुस्लिमों में घट रही है प्रजनन दर, आइए बताएं अधिक जानकारी। दैनिक भास्कर ने यह खास रिपोर्ट साझा की है। बताया गया प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को भोपाल में कहा, एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC को लेकर सारे भ्रम दूर करेगी। साथ ही में ये भी कहा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है। बताया गया PM के इस बयान से दो बातें साफ हैं। पहली यह है कि उनकी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कानून लाने की तैयारी में है और दूसरी ये कि इस मामले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का असर सबसे ज्यादा मुसलमानों पे पड़ेगा। हालांकि इसी कड़ी में बताया गया है कि प्रजनन दर यानी कि बच्चे पैदा करने की जो संख्या है वो अपने देश के कई राज्यों में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की कम है। आसान शब्दों में कहें तो देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पे मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रही हैं। तो इसी की वजह से भास्कर की ओर से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण लाना क्या ये केवल राजनीतिक हथकंडा होगा, यानी कि बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जो आएगा अगर इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है तो इसका ज्यादा फायदा कैसे हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही कई राज्यों में मुस्लिम महिलाएं पहले से ही प्रजनन दर में हिंदू महिलाओं से पीछे हैं। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि क्या ये केवल राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है। देखिए अगली खबर, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, इसी कड़ी में 18 को लिया गया हिरासत में, नियमावली में बदलाव का किया जा रहा है विरोध, डोमिसाइल नीति लागू करने की जा रही है मांग। वहीं बताया गया प्रदर्शन के दौरान जब पथराव किया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। देखिए अगली खबर, गुजरात के गांव में हुए दंगे, 2 परिवार के 10 लोग हुए घायल, 20 को लिया गया कस्टडी में, 8 महीने से चोरी कर रहा था पड़ोसी। जी हां, गुजरात में अहमदाबाद के धदुंका तालुका के पंचम गांव में अंडर गारमेंट्स की चोरी मारपीट की वजह बनी है। यहां एक महिला के गारमेंट्स यानी कि अंडर गारमेंट्स छत से करीब 8 महीने से गायब हो रहे थे, तो अभी हाल ही में महिला ने अपने ही पड़ोसी को अंडर गारमेंट्स चुराते हुए पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, यानी कि भयंकर मारपीट हुई। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र में हुआ बड़ा बस हादसा, 25 लोगों की जलकर गई जान, टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकरा गई और बस में आग लग गई, वहीं 8 लोगों ने खिड़की तोड़ के जान बचाई। देखिए अगली खबर, केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी को मौका दो, मामा को भूल जाओगे। साथ ही कहा, मोदी जी दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं और खाने पीने पे टैक्स लगाकर इसे वसूल रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की ग्वालियर से शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, फिर आप मामा और उसके चिल्ले चपाटों को भूल जाओगे। केजरीवाल ने मंच से चौथी पस राजा की कहानी भी सुनाई, जो कि वो इससे पहले भी सुना चुके हैं, और वो इस कहानी में इशारों से PM मोदी पे हमला करते हैं, ये जग जाहिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं और ये पैसे वो खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगाते हैं और फिर वसूलते हैं। देखिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी की आज जयपुर के रामलीला मैदान में होगी बड़ी सभा, प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है ओवैसी की पार्टी AIMIM। जी, विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान पे फोकस शुरू कर दिया है। ओवैसी आज रविवार शाम को जयपुर के रामलीला मैदान में सभा करेंगे। देखिए अगली खबर, थाईलैंड में गुनाह करके बौद्ध भिक्षु बनने का ट्रेंड बढ़ रहा है, इससे धर्म गुरु भी चिंतित है, आम लोग भी इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं। जी, पिछले हफ्ते बैंकॉक के एक स्कूल में फायर ड्रिल के दौरान आग बुझाने वाले उपकरण में धमाका हो गया, दुर्घटना में एक छात्र की जान चली गई, 10 लोग घायल हुए। लोग इस लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। अब इसी बीच 18 साल के छात्र के अंतिम संस्कार में 4 फायर फाइटर्स भी पहुंचे थे, भगवा वस्त्र पहने, सिर मुंडाए, चारों साथ में हाथ में जमीन पे घुटने टेके दिखे। परंपरागत रूप से ये प्रथा मृतक के रक्त संबंधियों के लिए होती है, ऐसे में फाइटर्स का इस तरह पहुंचना हैरानी की बात थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि थाईलैंड में बहुत सारे लोग गुनाह करके बौद्ध भिक्षु बन जा रहे हैं सजा से बचने के लिए। देखिए अगली खबर, पहली होम फाइनेंस कंपनी HDFC का वजूद हो गया है खत्म, अभी हाल ही में बीते 1 जुलाई को HDFC बैंक में इसका फाइनली मर्जर हो गया। अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। जी हां, HDFC बैंक केवल इंडिया का नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और इंडिया में तो ये नंबर 1 है ही। देखिए अगली खबर, भारत में रोबोट से हमले की फिराक में थे आतंकी, रेकी के लिए शिवमोगा में IED ब्लास्ट किया था, NIA की चार्जशीट में हुआ है खुलासा। जी हां, कुछ आतंकियों को लेकर ये खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि कई आतंकी रोबोट मशीन के जरिए भारत में हमला करने वाले थे। देखिए अगली खबर, आतंकी पन्नू ने दी भारत को धमकी, निज्जर की हत्या के विरोध में 8 जुलाई को विदेशों में भारतीय दूतावास को घेरने की है घोषणा। अब जो लोग आतंकी पन्नू को जानते हैं वो लोग इस खबर को समझ गए होंगे। देखिए अगली खबर, टमाटर के रेट कैसे कंट्रोल हो, सरकार ने मांगे हैं इसके लिए सुझाव, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैथकॉन की हुई है शुरुआत, अच्छे आइडिया लेके बनाई जाएगी योजना। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं अभी टमाटर का दाम देश के कई जगहों पर 100 रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन अभी हाल ही में बीते रोज ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था सीधे सरकार की ओर से कि 15 दिन के बाद दाम कंट्रोल होने लगेंगे और 1 महीने के बाद दाम फिर से सामान्य रूप ले लेंगे। लेकिन इसी बीच में अब ये भी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार लोगों से सुझाव मांग रही है कि कैसे टमाटर के दाम को कंट्रोल किया जाए और जैसे जैसे सुझाव मिलेंगे जो भी उसमें सुझाव अच्छा लगेगा उस सुझाव को लेकर एक ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसके जरिए टमाटर के दाम अपने सामान्य दरों पे रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।